सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद, मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, स्मॉग का सिलसिला जारी है, उसके अंदर जो नए इकदाम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ दिए गए हैं उसके अंदर तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब हायर एजुकेशन के उसके अंदर डाल लिए गए, मंडे से हायर एजुकेशन के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन चले जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी जो दुकानें हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनके अंदर बंदिश का सिलसिला जो है वो जारी है। AQI जो है वो 1000 से ऊपर 3 दिन हो गए हैं रेगुलरली जो है रिकॉर्ड हो रहा है। उसके अलावा आप ये देखें कि मामलात जो हैं आपको इतने संगीन हैं कि लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बच्चे घर पे, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ जो है एक मसला जो है बहुत बड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो सारे माहौल के अंदर जो एक तबाही मची हुई है उसके ऊपर अब क्या किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट का रद्द अमल जो है वो एक 10-पॉइंट एजेंडा जो है, 10 महीने का एजेंडा है, उसके अंदर वो क्या कर पाएंगे, अगले साल कैसा काउंटर करेंगे, अभी तो इस साल का मसला पड़ा हुआ है। इसी शो के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद राफ़ी आलम साहब, इन्वायरमेंटल लॉयर हैं। उनसे हम चाहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें कि हम इस साल तो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, अगले साल क्या करेंगे, आया ये मसला जो है ये एक मुस्तकिल चलता रहेगा, कितने सालों तक चलता रहेगा, सारी चीज़ के ऊपर हम चाहेंगे आज वो हमें बताएं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपको हमारी आवाज़ आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम असद, अस्सलाम वालेकुम अली, और आपको मुबारक। मुझे मालूम नहीं था कि बोल की प्रोडक्शन के पास गुंजाइश थी कि वो गेस्ट्स को ऑनलाइन ले सकें, मगर चूंकि ये आप मरहला पार कर चुके हैं, आप सारों को मुबारक हो। सर थैंक यू सो मच। सर गुंजाइश हमेशा से थी, लेकिन आप चूंकि पहले भी ऑन सेट ही आ जाते थे, आज हमने कहा कि आपको हम ऑनलाइन ले लें ताकि उनके स्मॉग ज़्यादा है। सर हम चाह नहीं रहते आप घर से बाहर होके यहाँ पहुँचे। सर हमने प्रेसिडेंट ममनून हुसैन से सीखा है कि गुंजाइश निकालनी पड़ती है। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल कि आज के दिन एक हमें बताया गया है कि मस्नूई बारिश भी कराई गई है। अच्छा, वो लाहौर में नहीं थी, वो जेलम, गुजरखान, तलागंग, चकवाल के एरिया में कराई गई है और वो बड़ी सक्सेसफुली की गई है। ये मेरे लिए भी आज एक बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं सीडिंग की, वो हमारी लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर भी हमने कुछ चीज़ जो अचीव की है कि हम लोकली चीज़ों कर पा रहे हैं। आया ये लाहौर में क्यों नहीं हुई, ये भी एक सवाल है। और दूसरा सर, मैं चाहूँगा जैसे मैंने इंट्रो में अपने कहा कि आप पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ये जो साल है इसके अंदर क्या वीवर बिल्डिंग अप टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ईयर, जिसमें हमने 1000 का रिकॉर्ड मुस्तकिल तोड़ना था, और आने वाले सालों के अंदर आप किस तरह देख रहे हैं कि इस मसले का हल क्या है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ कि हमने 2000 का रिकॉर्ड 3 दफ़ा तोड़ा है। और आप सारों को मुबारक हो, और हुकूमत पंजाब को मुबारक हो कि इनकी ये क्लाउड सीडिंग का जो तजुर्बा है ये उनके लिए कामयाब रहा है। देखें, एक तो मौसमों का सिलसिला होता है ना, इस खित्ते के ऊपर 2 किस्म के मौसम चलते हैं। एक गर्मियों में मानसून का सिलसिला चलता है जहाँ बारिश हवा जो है समुंदर से ज़मीन की तरफ आती है, और फिर सर्दियों में जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो ईरान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हवा लेकर समुंदर तक लेकर जाती हैं, ये दो हवाएं चलती हैं। और ये जो महीना है अक्टूबर नवंबर का, जो ये 30 दिन है, ये उस मौसम में तब्दीली, उन हवाओं में एक तब्दीली का वक्त है, और इस वक्त हवा थोड़ी सी कम है। उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो आम तौर पे दिन ब दिन आलूदगी, हवाई आलूदगी पैदा होती है, जो आज पैदा हो रही है, जो गाड़ियाँ, सनत, बिजली की पैदावार से हवाई आलूदगी पैदा हो रही है, वही है जो कि 6 महीने पहले थी, ठीक है ना जी। लेकिन 6 महीने पहले गर्मी का मौसम, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर से बरसात का मौसम, बारिशें आ जाती हैं, उससे हवा थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन ये जो थोड़ा सा सिलसिला है 1.5-1 महीने का, जिसमें ये फसलों की बकायात भी जलाई जाती हैं, इसमें चूंकि हवा नहीं चल रही होती, ये सारी हवाई आलूदगी एक किस्म की फंस जाती है आबादियों के ऊपर, काबुल से कलकत्ता तक, तो ये हम इस वक्त देख रहे हैं। और इस साल तो आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड सारे तोड़े गए हैं, ये रातों रात नहीं तोड़े गए असद अली, ये सालों की मेहनत के बाद
हम 2,500 तक पहुंचे और आप लोग इसको समझ नहीं रहे। देखें, एक ये मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ ये गवर्नेंस, जो हमारा हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने इस मौजू पे तवज्जो पिछले 8-10 साल से चूंकि नहीं की, इसलिए ये शिद्दत बढ़ रही है। अच्छा, मैं किसी जगह पर दावर को सुन रहा था और उनके मुताबिक, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि जो AQI है वो उसके लिए हम अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं, 5 किलोमीटर फी घंटा से हवा इंडिया से पाकिस्तान आ रही है और उनकी स्टबल बर्निंग हमें अफेक्ट कर रही है, जिस पे उन्होंने कहा कि ये जो हवा उधर से इधर आती है ये 15 नवंबर तक होती है। सो 15 नवंबर के बाद जो भी हमारा AQI होगा वो खालिस्तन हमारा अपना गंद है, ये बात दुरुस्त है? ना सिर्फ दुरुस्त, मगर 15 नवंबर के बाद और अभी एक दो दिनों के अंदर बारिशों के इम्कानात भी हैं, वो इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और ये मगरबी हवाएं जो हैं चल रही हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद जो आप सुनेंगे हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में हवाई आलूदगी का मसला है, उसमें फिर आप सारों को मुबारक हो, हमारा भी थोड़ा बहुत हिस्सा होगा। अच्छा राफे, ये बताइएगा कि अब जो मैंने स्टेट किए, जैसे तालीमी इदारे बंद हैं और दुकानें जो हैं 8 बजे बंद हो जाती हैं और जो दीगर जो मेजर्स जो हैं लिए जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपको लग रहा है कि इनसे एक वक्ती तौर पे कोई चेंज आएगा? मतलब मैं सवाल असल में ये है कि अगर हम ये तमाम चीज़ें जो हैं 100% कर पाएँ तो उससे परसेंटेज फ़र्क जो है इस वक्त स्मॉग के अंदर कितना आएगा और आने वाले जो साल हैं उनके अंदर क्या हम अब अक्रॉस द ईयर हम ये इकदाम लेंगे ताकि इसके अंदर कोई कमी आए, या ये भी जो है अब वेयर टू लेट? अब शुक्रिया असद, अच्छा सवाल है। अच्छा, सबसे पहले जब तक के आप हवाई आलूदगी जो पैदा करने वाली चीज़ें नहीं है उन पर काबू नहीं करेंगे, आप हवाई आलूदगी के बारे में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, स्कूल बंद कर दें, पार्क्स बंद कर दें, वो सब कुछ शायद चले या ना चले, बट जब तक के आप गाड़ियों में जो गंदा तरीन दुनिया का पेट्रोल जाता है हमारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों और ट्रकों के अंदर, उसको बेहतर नहीं करेंगे। जब तक बिजली की पैदावार आप रिन्यूएबल्स की तरफ नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप सनअती आलूदगी को काबू नहीं करेंगे, तब तक आप जो मर्जी करें, आप शिमला पहाड़ी के करीब टिक्के बंद कर दें, आप चंद दिन के लिए स्कूल बंद कर दें, these are emergency measures that show a measure of panic हमारे हुक्मरानों की तरफ से। और अगर जे हम आज से ये तय कर लें कि हमने हवाई आलूदगी के बारे में कुछ करना होगा, फिर हमें अपनी जो रिफाइनरीज हैं, पाकिस्तान की 5 रिफाइनरीज हैं, पार्कों के अलावा जो 4 हैं वो गंदा तरीन पेट्रोल डीजल बनाती हैं, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, रिन्यूएबल सोलर या विंड बिजली की तरफ आना पड़ेगा, सनती जो कि एक सियासी कुवत है आलूदगी को काबू करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तवज्जो देनी पड़ेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फसलों की बकायात जो जलाई जाती हैं उनको बंद करना पड़ेगा, अपने शहरों के डिज़ाइन को चेंज, ये सारी चीज़ें अगर हम एक वक्त से आज शुरू करें, मैं कहता हूँ 10-15 साल में शायद 40-50% फर्क पड़ सकता है। अच्छा राफे, आपने कहा कि ये जो लिए जा रही हैं ये पैनिक मेजर्स हैं, अच्छा मुझे तो इस पर ही बड़ी तसल्ली हुई है कि कम से कम हुकूमत पैनिक मेजर्स ले रही है। उसकी वजह ये है कि आज नमाज इस्तिस्का अदा की गई 600 मसाजिद में पंजाब भर में, तो उसमें हमारे पास तस्वीरें हैं जो कि बादशाही मस्जिद की जो नमाज थी, और वैसे तो हम ज़ाहिर है बहुत शुक्र गुज़ार हैं वो तमाम लोग जो उसमें शामिल हुए हमारे बिहाफ पर, लेकिन जो बुनियादी एक चीज़ थी कि उसको इंडोर के बजाय आउटडोर अदा किया गया और उसमें तस्वीर में किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। सो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे हमें एज अवाम एहसास है कि हम जो सांस ले रहे हैं अपने आप के साथ ज़्यादती क्या कर रहे हैं? दोबारा अली, आप शायद हमारी आवाम को नहीं जानते, हम धूप में फिरने वाले मर्द हैं, हमें हवाई आलूदगी कुछ नहीं कहती, ये प्लीज आप समझ लिया करें। और दूसरी बात, ये अच्छी टाइमिंग है आज की नमाज की, क्योंकि 2 दिन पहले पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी की थी कि 15-16 की रातों पे हवा चलेगी और बारिश होगी, तो जो भी थे सेक्शन अफसर साहब जिन्होंने तय किया कि नमाज होनी चाहिए, उनके लिए मैं एक खुद सलाम पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी लंबी सोच रखी।
अच्छा राफ साहब, ये बताइएगा कि 2018 के अंदर जब क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो बहुत अपने रूज पे था, तो अमेरिका के अंदर एक बात की गई थी, ये बहुत सारे चैनल्स पे चली थी कि अ पर्सन हैज़ बीन बॉर्न जो कि क्लाइमेट चेंज के असरात की बना पे अपनी जान खो बैठेगा। क्या आज के दिन की जो हमारी स्मॉग की सूरत हाल है, क्या ये हमारे शहर लाहौर और मतलब ये अगेन इंटरनेशनल इशू पाकिस्तान की बेसिस पे कहा जा सकता है कि पर्सन हैज़ बीन बॉर्न जिसकी ज़िंदगी जो है उसकी एज के अंदर कमी आएगी क्योंकि वो इस शहर में पैदा हुआ है और यहाँ पे सांस लेगा? असद, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था पहले से, लेकिन ये हवाई आलूदगी मजाक नहीं है। ये जो लेवल्स हम पिछले सालों हम देख रहे थे 400, 600, 800, 900 तक पहुंच जाते थे, इस साल हमने 2500 टाप के देखा। इनके असरात जो है हमें, मुझे डर यह है कि महीनों में भी नहीं, शायद दिनों के अंदर जो है, आज के अखबार में या कल के अखबार में था कि 20 लाख पंजाबी अस्पताल गए थे पिछले हफ्ते। देर आर गोइंग टू बी सीरियस रिपरकशंस ऑफ दिस। और जो आप बात कह रहे हैं कि ऐसे शख्स जन्म हो चुके हैं जो कि मौसमी तब्दीली का शिकार बन चुके बन जाएंगे, तो मौसमी तब्दीली भी कल रात की चीज़ नहीं है। पिछले साल लीबिया के शहर धरना में बारिश हुई थी और उसके नतीजे में एक रात में 11,000 लोग मरे थे। तो मौसमी तब्दीली का वक्त हम पे ऊपर आ चुका है और उसका एक हम देख रहे हैं बाहर नतीजा, ये हवाई आलूदगी है। और जब तक के एक, मैं समझता हूँ, मुसलसल तौर पे सियासी और सोशल मुहिम ना चले एक खास मुस्तकबिल के लिए, एक साफ हवा और पायदार मुस्तकबिल के लिए ना निकले, तो मैं समझता हूँ आज से सिर्फ चीज़ें बुरी ही हो सकती। अच्छा राफे, जिस तरह से वो बात है कि आपने पहले भी कहा कि हम लोग जो हैं धूप में फिरने वाले हैं, हमने आज से 10 साल बाद भी यही कहना है कि लाहौर लाहौर है, लेकिन अब क्योंकि बुनियादी तौर पे हमने ये स्मॉग मुल्तान तक पहुँचा दी है और अब इस्लामाबाद में भी बारिश के बगैर पहाड़ियाँ नज़र नहीं आती, तो फिर वही चीज़ के जिन जो लाहौर में भी नहीं रहते, जो ये भी नहीं कह सकते कि लाहौर लाहौर है, तो अब उनकी तरफ से तो कोई संजीदगी इस मामले में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? देखें, मैं लाहौर से हूँ, आप भी हैं, हम सब एक क्या कहते हैं मसले का शिकार हैं, और वो ये कि लाहौरी होते हुए हम समझते हैं कि दुनिया शुरू और ख़त्म लाहौर के अंदर होती है। ये जो हमने लाहौर स्मॉग का मसला समझा हुआ है, जो कि हम समझते हैं सर्दियों का एक मसला है, ये ना लाहौर का मसला है, ना स्मॉग का है, ना सर्दियों का है। ये एक मुसलसल सालाना तौर हवाई आलूदगी का सानहा है। ये स्मॉग एक किस्म की हवाई आलूदगी होती है, एक किस्म की, जहां आपके पास ना सिर्फ फॉग यानी कि धुंध बट धुआं भी होना चाहिए। इस वक्त जो ह्यूमिडिटी है उसमें तो धुंध पैदा ही नहीं हो सकती, हम तो हेज देख रहे हैं। तो ये इसको ना स्मॉग समझिए, ना इसको एक मौसम का मसला समझिए, और जैसे आपने कहा ये पंजाब का भी नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पूरा मसला है, पाकिस्तान भी नहीं, ये काबुल से कलकत्ता का एक इंटरनेशनल मसला है। और जिस वक्त तक हम इसको एक लाहौर का स्मॉग का, एक मौसम का मसला समझेंगे, इसका हल हम कभी नहीं ढूंढ सकेंगे। इसको हम बैनुल अक्वामी तौर पे, वफाकी तौर पे, सूबाई तौर पे एक सालाना मसला समझना चाहिए, और फिर शायद इसके जो हैं हम मसले हल कर सकें। अच्छा रफ साहब, ये भी बताइएगा कि अब जैसे क्लाइमेट चेंज डिनायर्स होते हैं, हमने कुछ लोगों से, अली और मैं उनसे अनफॉर्चुनेटली मिले, कि स्मॉग डिनायर्स भी कुछ लोग हैं, जैसे कोविड डिनायर्स भी थे, और उनका एक जो मुश्तरका राय ये है कि जी के जो ये AQI मीटर्स हैं, ये तो कोई हतमी आपको वैल्यू देते नहीं। एक ये लाहौर में जो हॉकी स्टेडियम है वहाँ पे एक स्मॉग सेल भी बनाया हुआ है, उनको आप कभी भी चले जाएं, आप चलते चलते वहाँ पे, तो वो कहेंगे ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं। और AQI मीटर्स के ऊपर जो तनकीद है, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट लगे हुए हैं, ये हुकूमती लेवल पे है ही नहीं। एक तो इन इट सेल्फ ये आयरोनिक बात है कि वो तो तनकीद हुकूमत के ऊपर, उन्होंने AQI मीटर्स में इन्वेस्ट नहीं किया। अब जो लगे हुए हैं उनकी रीडिंग जो है वो कितनी को एक्यूरेट है, क्योंकि ताकि हम चाह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को हम जो देखते हैं, जो 1000 कोट हो रहा है, 2000 कोट हो रहा है, 1500 हो रहा है, क्या इसके अंदर कितनी असलियत है? और क्या ये भी, सॉरी इसके अंदर मैं ज़रा लंबा सवाल हो गया, बट क्या किसी AQI मीटर की एक अपर लिमिट भी होती है कि वो 100, 200, 300, 600 से ऊपर नहीं रीड कर सकता?
चले लेट्स स्टार्ट विद AQI. AQI को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताते हैं और ये आपको हवाई आलूदगी के हवाले से एक नंबर देता है 0 to 2,500-3,000 तक, जिससे आपको मालूम हो कि हवाई आलूदगी की शिद्दत कितनी है. हमारे यहाँ इधर पाकिस्तानी और पंजाबी कानून के तहत बाहर की जो हवा है उसका जो मेयार है हम उसको एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसमें 9 मुख्तलिफ किस्म की हवाई आलूदगियों को कंसिडर किया जाता है और हर एक की एक हद दी जाती है कि अगर PM2.5 है वो दिन में 24 घंटों में इतना होना चाहिए, एक साल में इतना होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड इतना होना चाहिए, लेड की और ओजोन की पोल्यूशन इतनी होनी चाहिए, और हर मुख्तलिफ किस्म की हवाई आलूदगी के लिए एक हदूद दी गई है. मगर 9 मुख्तलिफ आलूदगियों को समझने के लिए आपको शायद साइंटिस्ट बनना पड़े. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इन सब 9 आलूदगियों को इकट्ठा करके आपको एक सिंगल फिगर देता है. अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत 50 और 100 AQI से बढ़ के जो आलूदगी है वो हमारे क्या कहते हैं सेहत के लिए नुकसानदेह है. तो 300-400 जो कि सालाना तौर पे लाहौर और पाकिस्तानी शहरी गुजारते हैं वो तो चले उससे ज़्यादा है, लेकिन ये 2,500-3,000 जो हम देख रहे हैं ये तो पहली दफ़ा मैं समझता हूँ तारीख के अंदर इस तरह के नंबर्स पैदा हुए हैं. जो हमारे कानून के तहत बाहर की एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और 9 मुख्तलिफ हवाई आलूदगियाँ हैं हर एक के लिए, और ये एक नोटिफिकेशन जारी हुई भी है सरकारी नोटिफिकेशन के हर एक के लिए ना सिर्फ हद दी गई है मगर उसको नापने के लिए तरीका भी दिया गया है. अब जो प्राइवेट मॉनिटर्स लगे हुए हैं जो कि ऑनलाइन हम देखते हैं जिसकी वजह से ये खबरें निकलती हैं वो उस नोटिफिकेशन के तहत तरीका नहीं इस्तेमाल करते PM2.5 को नापने के लिए, वो लेज़र इस्तेमाल करते हैं, बेटा रे नहीं इस्तेमाल करते. तो इस बुनियाद पे ना सिर्फ महकमा मौलियात पंजाब मगर खैबर पख्तूनख्वा भी जो प्राइवेट मॉनिटर्स हैं उनका डेटा नहीं मानती. मगर इसके बावजूद एक हमारे दोस्त हैं सफिया हसनैन कराची में, उन्होंने महकमा मौलियात पंजाब के साथ एक प्रोजेक्ट किया कि उन्होंने अपना एक प्राइवेट मॉनिटर महकमे के एक मॉनिटर के साथ जो कि महंगा मॉनिटर है उसके साथ लगा दिया और पूरे 1.5 साल के लिए उसको चलाया और पता ये चला कि 90-95% वो एक्यूरेट है. अब देखें महकमे को एक तरीका मिल गया है बहाना बनाने का कि जो बाहर फिगर है वो दुरुस्त नहीं है. अब मैं समझता हूँ ये एक गलत किस्म की पॉलिसी है, आपको मानना चाहिए मसला है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है. मेरी इसमें सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि आप महकमा माहौलियात को महकमा माहौलियात कहा करें. बहुत शुक्रिया राफी साहब, आपने इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं बट यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर. प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं बोलो जनाब. सर हमें जाना पड़ेगा सर VPN और इंटरनेट की बंदिश और उस दुनिया में सर, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में. जी सर, वर्चुअल दुनिया में सर गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस इख्तियार किया है. सर पिछले कुछ दिनों से आपको स्लगिश परफॉर्मेंस नज़र आ रही होगी अपने इंटरनेट की भी और ख़ास तौर पर आपके VPN की भी. हम तो VPN यूज़ नहीं करते बट वैसे ही आपको दोस्तों यारों से पता चल रहा होगा कि स्लगिश है सब कुछ. उसके साथ साथ मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं जो इस वक्त ज़ेर-ए-ताब हैं हुकूमत में वो सब जो हैं उनकी ट्वीट्स तो चल रही हैं तो वो यकीन VPN यूज़ कर रही होंगी तो उनको भी फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ से. जो पेट VPN जिनको मैं कहता हूँ जो यहाँ पर चल रहे थे उनका नाम ज़ाहिर है मैं शो पर नहीं लूँगा बट वो बंद कर दिए गए और लेकिन लोगों ने उसका मुझे पता चला है कि उसका वर्क अराउंड जो है वो निकाल लिया. वो अपनी फ़ोन की जो भी उनके पास डिवाइस है उसके ऐप स्टोर में जाते हैं और जो टॉप चल रहा होता है उसको डाउनलोड करते हैं और उससे भी चल पड़ता है. तो सर ये जो एक बंदिश हम चाह रहे हैं आया ये एक चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, नंबर वन सवाल ये. दूसरा इसको करके हम इसेंशली क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो भी एक सवाल है. और तीसरा इसकी बेसिस पे जो आपका जो शख्स नहीं VPN इस्तेमाल करता जो कि तादाद में काफ़ी होंगे उनका जो टेलको इंटरनेट है उनका जो बाकी है वो जो स्लो हो जाता है उसकी बेसिस पे जो लॉस एक हो रहा है उसका क्या करना है ये तमाम चीज़ें हमने सर समेटनी आज. देखिए पहली बात तो ये है कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि VPNs बंद हो जाएं, प्रॉपर बंद हो जाएं. उसकी एक वजह है और उसकी वजह ये है
कि ये एक ऐसा काम है जो चाइना नहीं कर सका, जो बेंगलोर नहीं कर सका, जो सिलिकॉन वैली नहीं कर सका। देखिए ये एक अलहदा इशू है कि किस मुल्क के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितनी अहमियत है, कौन समझता है कि रेगुलेशन होनी चाहिए, ये अलहदा बात है। जो एक आईटी प्रैक्टिशनर होता है ना, जो एक आईटी का बंदा होता है, वो एक चीज़ करना चाहता है, उसका फ़ायदा हो नुकसान हो। देखिए फिजिसिस्ट जो थे ना, उन्होंने एटम बम बनाना ही बनाना था, वो फ़ायदे में हो या नुकसान में हो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी ख़रीदने, अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी ख़रीदने। तो ये तो हो गई बात कि हमारा मौका, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को परफेक्ट कर लें, और वो भी एक ऐसे नंबर के साथ जो कि 24 करोड़ है, मतलब जिसमें से इंटरनेट यूज़र कम होंगे, बट एक 24 करोड़ के अवाम का अगर आप एक चीज़ बंद ही कर दें, टूटी बंद कर दें और मुस्तकिल बंद कर दें, तो आपसे सुपर तो कोई है नहीं सर। यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिस जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, और बाहर जो है मार्क ज़करबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार ज़रा हमें ये क्या कर रहे हैं आप। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन इसके अलावा आईटी का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे, बेंगलोर ख़त्म हो जाएगा, सारा चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज़ कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है सर। तो गुड लक टू देम, करके देख लें। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सर वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी एक आ गया बयान के जी ये जो है गैर शरई। अच्छा, मुझे उस पर ज़ाती तौर पर दुख हुआ, उसकी सिर्फ एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि सर आपको पता है कि हम ये चाहते हैं कि तमाम इदारे, तमाम नज़रियाती काउंसिल्स, तमाम हमारी यूथ एक होकर चलें। अब जब इस तरह के बयान आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी यूथ है ना, वो बहुत अपने आप को दूर कर लेगी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से, क्योंकि बात फिर वो ये है कि सब लोग कोई जो है फोहश वीडियोस देखने के लिए तो नहीं जो है इस्तेमाल करते वीपीएन। वीपीएन के और इस्तेमाल होते हैं। अब जब एक यंगस्टर जिसको उन इस्तेमाल का पता है, वो जब इस तरह का बयान सुनेगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो इनवॉलंटरीली दूरी इख्तियार करेगा इस पूरी आइडियोलॉजी के साथ कि जी ये तो इनको तो पता ही नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। सो मेरे ख्याल में कि ये एक जो है ना बहुत ही गैर मुहतात एक बयान था, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आप ये देख लें कि इसके अंदर वो भी चीज़ तो वाजे होती है कि हुकूमत की एक हद तक नाकामी जो है, उसका भी तो हमें एग्ज़ाम्पल मिलता है कि मतलब मैं नहीं कहता कि हुकूमत ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को परस्यू किया होगा कि आप इस किस्म का बयान दें। ज़ाहिर है वो एक फ्री थिंकिंग किस्म का एक काउंसिल है, जो कि उन्होंने अपने तौर पे इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि ये गैर शरई है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ये वाला भी आपने ठप्पा लगाना था कि ये गैर शरई चीज़ है, तो उसकी बेसिस पे भी शायद वो देख रहे हैं कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दें। सर यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीपीएन का आसरा लेते हैं अपनी डे टू डे कनेक्टिविटी में और अपनी ब्राउजिंग में और हर चीज़ के अंदर। उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि इसको बैन करना शुरू किया गया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे, हमसे मुराद रियासत नहीं चाहती थी कि लोग एक्स यानी ट्विटर का इस्तेमाल करें। अच्छा, हुआ ये कि उसकी वजह से अगेन जब इंटरनेट की जो बंदिश होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती कि सिर्फ ये एक्स बंद हो जाए और बाकी चलता रहे, आपको डेटा पैकेट्स बंद करना पड़ते हैं। अच्छा, वो डेटा पैकेट्स जब आप बंद करते हैं ना, तो हो ये रहा था कि लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर आपको याद होगा लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी थी कि वॉइस मैसेजेस डाउनलोड नहीं हो रहे, टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपके वीडियोज़ हैं वो नहीं आ रहे, तस्वीरें नहीं आ रही। सो बुनियादी बात यह कि जिस तरह से आपने शुरू में सवाल किया ना कि अब इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस्तेमाल ही नहीं करते वीपीएन, इस तरह के जो बहुत सारे लोग थे वो बदतरीज कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि आप डेटा पैकेज जब बंद करते हो पैकेट्स, तो वो सिर्फ एक्स उससे मुतासर नहीं होता, उससे और बहुत सारी चीज़ें मुतासर होती हैं, और इनवॉलेंटरली अगेन
लोग VPN पे शिफ्ट। सर यानी कि आप कह रहे हो डेटा पैकेट जब बंद कर देते हैं, एक तो ये भी चीज़ को खोलना भी शायद इतना आसान। सर यानी कि ऐसी है कि आप बाजार में जाएं और आपको थैले में सालन मिले, तो घर जाके जब वो गिरा लगी होती है तो आपको नीचे कैंची से उसको खोलना पड़ता है, तो ये वाला एक हिसाब भी चल रहा है इसके अंदर। यकीन सर, दूसरा आप ये देखें कि अब दौर IT का है, हमें ये कहा भी जाता है, बताया भी जाता है, और हमें ये भी कहा जाता है कि हम जो हैं IT के अंदर मुकाबला करेंगे। इतने IT पार्क्स जो हैं, जो बन रहे हैं, जो बन गए हैं, उनके अंदर एक्टिविटी हो रही है। अब दुनिया के अंदर VPN जो है वो इस तरह नहीं यूज़ होता कि आप जो हैं उसको एक अपना प्राइवेट सर्वर बना के आप ट्विटर एक्सेस कर लें या और चीज़ें एक्सेस कर लें। वो तो एक सिक्योरिटी की एक लेयर होती है ऑन टॉप ऑफ जहाँ से आप बैठे हैं, तो एक सिक्योरिटी एंगल है उसके अंदर। हम तो बिल्कुल उसको उस तरह यूज़ नहीं करते। सो बेसिकली यहाँ पे अगर VPN जो है, हमने उसकी बुनियाद जो है, जिसने भी बनाया VPN, जो भी बना रहे हैं VPN, उसको तो हम यूज़ उस तरह यूज़ नहीं कर रहे। बात आ जाती है सर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, असल में तो बात सारी है ही है। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ अपने शो के तवसत से कि फिर अगली आज के बाद, मतलब हमारे शो के बाद, जो मुझे हकूमती नुमाइंदे की ट्वीट मिलेगी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों ना हो, वो कोई और मिनिस्टर क्यों ना हो, अगर तो मुझे नज़र आएगी तो उसके ऊपर फिर मैं कमेंट भी करूँगा कि जी देखें जी VPNs बंद हैं, हम ट्वीट नहीं कर रहे, तो आप क्यों अलाउड हैं ट्वीट करने के लिए? क्या हुकूमत ने अपना VPN बना लिया? कोई हकूमती VPN कोई है जो सिर्फ मिनिस्ट्रियल लेवल पे? अगर तो है तो हमें बता दें कि जी सिर्फ जो क्योंकि दुनिया से हमने कम्युनिकेट करना है तो वाया ट्विटर। मतलब आप ये देख लें सर, हमने शो पे बैठ के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो डोनाल्ड ट्रंप को ग्रेजुएट करने की थी प्रेसिडेंट बनने पे ट्वीट, वो ट्विटर से हुई, एक्स पे हुई, और उसके नीचे एक बैनर भी आ गया था, थोड़ा विंडो, आपने शो पे डिस्कस किया था। उसके फौरन बाद आपने मुल्क के अंदर VPN बैन कर दिया। या तो ट्विटर खोल दें या VPN बैन कर दें। माय पॉइंट इज मेक अप योर माइंड, अब आप कर लेना, और फिर अगर आपने करना है और अगर आप कर रहे हैं तो फिर हमें भी करने दें। यकीनन देखें बात क्या होती है, आप कोई भी चीज़ जब करते हो कैसे होती है, ये यूज़र है, ये वेबसाइट है, उसने यहाँ से कुछ भी पिंग की है तो वो रस्ते में आपने एक चीज़ रखी हुई है कि हमने ये डोमेन बैन की हुई है, तो उसने वहां से विया होके जाना है। अब क्या हो रहा है कि वो आपने कोई ऐसी चीज भी खोली है जो कि बैन नहीं है, लेकिन क्योंकि एक और रास्ते से होके जा रही है तो क्या हो रहा है, डिलेज आ रही है। यानी कि अब आप 5G के आपको लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्पीड तो आ नहीं सकती क्योंकि आपने रस्ते में डिले फैक्टर्स लगाए हुए। सो अब अगेन ये तो फिर हम पाकिस्तान को पैसे बचाने का तरीका बता रहे हैं। अब जो 5G टेंडर होगा आप बिड मत डालिएगा, आप बिड मत डालिएगा। बारह सर इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, ये भी एक अगेन इन अ लाइन ऑफ हैप हैजर्ड मेजर्स, ये एक और हैप हैजर्ड मेजर है, इसको देखें क्या होता है। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले VPN की डिस्कशन हो रही थी, लेकिन सर नामुकम्मल है सर ये डिस्कशन अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर एंगल ना डालें सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर भी आजकल एक ये बात हो रही है, बड़ी देर से हो रही है, आजकल क्या बड़ी देर से हो रही है बात की जी, एक बंदिश का जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर भी डालना चाहिए। मुकम्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं होनी चाहिए, जिससे मैं एक हद तक अग्री भी करता हूँ। एक नीम रेगुलेशन जो है वो हर चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस वो कोई भी बात दिल में आए जो वो लिखते हैं। कॉन्सिक्वेंस चाहिए, उसके लिए इदारे मौजूद होने चाहिए, इदारे उसको रेगुलेट करें और इदारे सजा भी दें। अच्छा पाकिस्तान में ये ऐसे नहीं है कि ये नहीं हुआ आज तक, ऐसे होता रहा है, और अगर हम थोड़ा माजी का भी कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर डाल लें तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर आप अगर ज़ियाउल्लाह साहब का दौर देख लें तो उसके अंदर तो अखबारात ही वाहिद एक मीडिया का प्लेटफॉर्म थे, जिसके अंदर भी हमने देखा है कि साफियों ने काफ़ी मतलब मारे भी खाई, कोड़े भी खाए और बहुत कुछ हुआ। सो ऐसा नहीं है कि ये एक कोई नई चीज़ हो रही है। हाँ नई जनरेशन जो है उनके लिए एक रिलेटिवली ये एक नई चीज़ है कि जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि यार ये क्या अजीब सी बात है, कैसे रेगुलेट करें। और जाहिर है वेस्ट का इन्फ्लुएंस उस ज़माने में क्या होता होगा जो आज है, जब आपको वहाँ पे एक फ्रीडम नज़र आता है और यहाँ पे उसको कर्ब करने की कोशिश करिए, तो यूथ जो है वो इस चीज़ से बहुत मुतासर होते हैं।
देखिए लेकिन फिर वही बात है ना, यूथ जो है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूथ जो है वो ना आशना है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। भाई वो तो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, उनको तो पता है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आपके यहाँ पर इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, आपने इसको रेगुलेट क्या करना है सोशल मीडिया को? बात यह है कि अगर जो ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं वो अगर बाकायदा चार्जशीट नहीं बनाते, वो अपना काम नहीं करते, तो इसमें ना यूथ का कसूर है ना किसी और का कसूर है। मतलब इंग्लैंड में क्या सोशल मीडिया के लिए कोई अलहदा कवानीन है जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत है अलहदा कवानीन बनाने की? वही अदालतें हैं, वही डेफेमेशन के कवानीन हैं, वही अप्लाई होते हैं। अगर यहाँ पर अदालतें वो नहीं कर रही तो इसमें यूथ का क्या कसूर है? सो बुनियादी बात वही है कि जो ये तासुर है कि जी ये कोई बड़ी अनरेगुलेटेड चीज़ है, ये अनरेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पर वैसे तो चार्जशीट के साथ भी लोगों पर केस बनाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा ये बहुत, आप किसी से पूछ लें वो तासुर तो सबको यही है कि जी यहाँ पर बगैर चार्जशीट के शमाली इलाका जात की सैर पर ले जाया जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत अनरेगुलेटेड तो नहीं है, मतलब रेगुलेटेड तो है। अगर एक शख्स कोई गलत या कोई इश्तियाल अंगेज ट्वीट या कुछ पोस्ट करता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि ठीक है मैं, मुझे शायद कोई आकर ले जाए। सो अनरेगुलेटेड ये नहीं है। और 77 साल में जिस तरह से आपने माजी का भी रेफरेंस दिया, सहाफत यहाँ पर कभी भी अनरेगुलेटेड नहीं रही। सो 77 साल में अगर हमारी ये पोजिशन जहाँ भी आज हम हैं अच्छे बुरे, तो अगर हमें लगता है कि अभी तक बेहतरी नहीं आई तो मजीद रेगुलेशन से बेहतरी नहीं आनी, ये आप देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल सर, जाहिर है विद द टाइम्स हर चीज़ को आपको अपनाना पड़ता है कि ये एक रियलिटी है सोसाइटी की, ना सिर्फ बल्कि ग्लोबल स्पेस के अंदर ये एक रियलिटी है, तो इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बल सर एक और ख़बर भी हमारे पास है, और हम सर लोकल ख़बरें करते रहते हैं, तो मैंने कहा एक इंटरनेशनल ख़बर क्यों ना डिस्कस की जाए। और सर हम ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स जो दुनिया में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग हमारी जो है, और हमसाए मुल्क की हो जाए वो ब्रिटेन की हो जाए, जिनमें बड़ी रौनकें लग जाती हैं, अमरीकन आप देख लें जो डिबेट्स होती हैं वहाँ पे, न्यूजीलैंड की सर पार्लियामेंट में जो एक चीज़ नज़र आई वो बहुत ही हैरानकुन भी थी और उस लिहाज से मज़ेदार भी थी, और जमहूरियत का जो हुसन है वो बहुत बयान हुआ उसके अंदर। तो सर आपको पता है जब न्यूजीलैंड किसी भी जो टीम होती है वो कहीं भी विजिट करती, खास तौर पर रग्बी मैचेस के दौरान, तो वो मैच से पहले सेरेमोनियल अपना हाका डांस जो है वो करते हैं, जो माओरी ट्राइब जो है उनका वो एक है कि वो शो कराते हैं जी हम आए हैं, हम यहाँ पे हैं और हम लेनी है किसी को। तो पार्लियामान में, न्यूजीलैंड की पार्लियामान के अंदर एक बिल जो प्रपोज हुआ जो इनकी बेसिकली इंडिजिनस जो वहाँ के माओरी जो हैं उनको, उनके ख़िलाफ़ जारी थी एक बात, और उनकी उनकी जो ज़मीनें हैं और माजी के जो इनके मसाइल हैं उसको वो रेगुलेट कर रहे थे अगेन, उसके ऊपर एक जो उनकी खातून जो थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने वो बिल ना सिर्फ फाड़ा बल्कि उनके तमाम तर जो लोग थे जो उनकी ग्रुप के थे उन्होंने वो हाका डांस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर किया। जो स्पीकर थे वहाँ के वो अपना सर हिला रहे थे, जो अपोजिशन पार्टीज थी या हुकूमती पार्टी थी शायद उन्होंने अपना सर हिलाया, और ये जो माइनॉरिटी है वहाँ पे उन्होंने वो डांस करके उस बिल की ख़िलाफ़ वर्जी की। और सर मैं देख रहा हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त तरीका है सर, मतलब सर ये ऐसे ही है कि सर कोई सूबाई बिल चल रहा हो और मतलब किसी किस्म का मसला चल रहा हो तो कुछ पंजाबी लोग यहाँ पे भंगड़ा करना शुरू करते हैं और इस किस्म की चीज़ कर लें। बिल्कुल नॉट टू टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग, उसकी बड़ी हिस्ट्री है, बट मुझे देख के बहुत ताज्जुब हुआ जी, बहुत खुशी हुई। और अपने कस्टम्स को नहीं भूलना चाहिए, यही तो चीज़ ज़मानत होती है कि जिनका वोट आप लेके आए हो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। मतलब फिर वही बात है कि आप छोटे शहर से आए हो लेकिन आप क्योंकि आप पार्लियामान का हिस्सा हो तो अब आप अपने आप को इस्लामाबादी समझना शुरू हो गए हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई जमहूरी बात नहीं है। और इसीलिए एक तो मुझे जो उसमें वाहिद दुख हुआ वो ये हुआ कि जो उनके स्पीकर साहब थे वो बड़ा बुरा मुंह बना रहे थे। हाँ जी, सारे तमाम जो थे वो पे, जिससे मुझे एहसास हुआ कि जो स्पीकर होते हैं बहुत ही अनकूथ लोग होते हैं, क्योंकि हमने अपने भी जो देखे हैं वो मुझे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। और इसी तरह मैं सोच रहा था कि कभी हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई बिल पेश हो तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो हमारे फैसलाबादी मेंबर पार्लियामेंट है वो झुकते करें। तो हो भी जाती है कभी कभार, तो हो भी जाती है। तो अपना बिल्कुल, मतलब मैं बहुत, मुझे इस चीज़ का इश्तियाक रहेगा कि हम अपने कस्टम्स, अपना फोकलोर, अपना फोक म्यूजिक डांस, ये सब चीज़ें जो कि हमारी ज़ात का हिस्सा है, ये हमारे पार्लियामान में नज़र आना चाहिए। सर नज़र आना चाहिए नंबर वन, और दूसरा सर आपने वो बड़ी खूबसूरत बात की है सर कि आप जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका कल्चर भी रेजोनेट करना चाहिए उस पार्लियामान के अंदर,
उस पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम लोग मौजूद हैं उन तक भी इस चीज़ की रसाई होनी चाहिए कि यार हम जब देखें मतलब किसी मतलब नेशनल टीवी के जो पार्लियामानी चैनल है उसके ऊपर यार कि हमारा बंदा जब बात कर रहा है तो वो उसी लहजे में बात कर रहा है, वो उसी तौर तरीके में बात कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इसी एक लिहाज से यही है ना कि आप किसी एक ग्रुप को आगे लेकर आए हैं जिनके बारे में और उन्होंने आपको इलेक्ट किया है। और सर कितना वैसे आसान है कि यहाँ पर आप देखें जो सियासी एक मौकफ होता है हर सियासतदान अपने इलाके के अंदर, हम ब्रिक एंड मोटर वाला जो मेकनिज़म है उस पर चलेंगे, सड़कें, अंडरपास, पुल, दीगर चीज़ें जो है वो बनाएंगे, उसकी बेसिस में हमारा वोट बैंक सिक्योर होगा। मेरा यकीन है कि एक सियासतदान ऐसा जो ये रिस्क लेने को तैयार हो कि यार मैं अपना कल्चर क्यों नहीं लेकर आता नेशनल असम्बली के अंदर, मैं अपने कल्चर की बेसिस पर वापस जाऊँगा वोट मांगने के लिए, और सर उसकी कीमत जो है वो बहुत कम है इन सड़कों सड़कों से। देखिए सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे अक्सर सुनते हैं कि जी फलाने कल्चर की नुमाइंदगी नहीं होती, फलाना चैनल फलाने कल्चर को प्रमोट नहीं करता। अच्छा जी वो वही जो हमारा नेशनल टीवी चैनल है आज से 30 साल पहले तो उस चैनल के ऊपर हर जुबान में ड्रामा आता था, अब हर जुबान में ड्रामा नहीं आता। बिल्कुल ठीक है कि ये गिला गलत है, ये गिला बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, तमाम चैनल से करना चाहिए, लेकिन जिसको आपने वोट दिया है सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे ना। तो अगर वो ही नहीं कर रहा सबसे पहले तो उसको आपको खड़ा करना चाहिए और उससे जवाब मांगना चाहिए कि भाई क्यों नहीं तुम कर रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तमाम तर बातें हैं। और न्यूजीलैंड आया एक, 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 एक हमारे बनस्पत हमारे एक छोटा मुल्क है, लेकिन पार्लियामानी सियासत के अंदर यही होता है कि आप जहाँ से आएँ और रिप्रेजेंटेटिव आपने रहना है, उनके अंदर वो चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पे शायद ऐसी चीज़ होना शुरू हो जाए। बरक आज के लिए हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।